बस मालिक को 11,000 रंगदारी नहीं देना पड़ा महंगा। शराब के नशे में खड़ी बस में आग लगा दी, धू धू कर पूरी बस जल गई। बिहार के दरभंगा जिले में रंगदारी नहीं देने पर एक युवक ने शराब के नशे में सड़क के किनारे खड़ी बस में आग लगा दी, जिसके बाद पूरा बस धू धू कर तेज धुओं के साथ जलने लगा, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों ने इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को देते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग तेज लपटे को काबू करने में सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बस संचालक के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं बस संचालक निरंजन कुमार ने कहा कि पोखराम गांव निवासी मुन्ना चौधरी शराब पीने के लिए 11,000 की रंगदारी की मांग कर रहा था। आज सुबह से ही शराब के नशे में टुल था। जैसे ही शाम में बस के पास आया मुन्ना चौधरी हमें गाली गलौज करते हुए रस्सी में बांध कर मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद मैं किसी वहां से जान बचा कर भागने लगा और मुन्ना चौधरी को कहा कि मैं इसकी शिकायत थाने में करूंगा। इसके बाद वह मेरा पीछा करता हुआ दूर चला आया, जिसके बाद वह वापस लौट आया और हमारी खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त गाड़ी में कोई नहीं था। हमारी बस बिरौल सुपौल से पटना जाती है। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मी राहुल कुमार ने बताया कि हम लोगों को सूचना मिली कि पटनिया सिनेमा चौक के पास बस में आग लगी हुई है। सूचना मिलने के बाद हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बस में आग लगी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं उन्होंने बताया कि जिस वक्त अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची उस वक्त बस खाली था और अंदर से आग की तेज लपटे और धुआं निकल रहा था, जिसके बाद हम लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है। बैरक में थे तो ड्यूटी मैन के द्वारा सूचना दिया गया कि पटनिया सिनेमा चौक के सामने बस में आग लगी हुई है। सूचना पाके फर्स्ट एक्शन चले, रास्ता थोड़ा नैरो होने की वजह से सिंगल रास्ता था, दूरी भी 25 किलोमीटर के बम तक आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आके हम लोग आग को पूर्ण रूप से बुझाए। जिस बस में आग लगी उसमें यात्री वगैरह भी थे? नहीं, आने के आए हैं तो उसमें कोई भी यात्री नहीं थे, सिर्फ आग लगी हुई थी। जान माल की क्षति की कोई खबर? अभी तक तो यहाँ पे जो उपस्थित आदमी है उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। मैं 11,000 रुपया मांग रहा था मुन्ना चौधरी। कौन? मुन्ना चौधरी। अच्छा, मुन्ना चौधरी इसी गाँव का निवासी है? हाँ, इसी गाँव का निवासी है। जी, नहीं दिए पैसा। आपका सवेरे से पी के पूरा पी के फ्लैट था, मान पूरा पिए हुए था, पूरा नशा में था। हमारा खदेड़ा हम बोला रस्सी में बांध देंगे। हम भागे कर जा रहे हैं, तुमसे कुछ तो नहीं होगा, गरीब हमारा देवे करेंगे, खाना में जाएंगे। उसके बाद जो है आग लगा दिया। हम भागे जान बचा के, जान बचा के भाई हमारा पीछू दौड़ के गया उधर आगे तक, तो हम तो दौड़े नहीं धराया, तो उधर गया कुछ खोद के आया, उसके बाद आग लगा दिया।